नमस्कार, मैं हूँ प्रेम पंचोली। आप जानते ही हैं कि गांधी और विनोबा के देश में आंदोलन की एक खास प्रकार की रणनीति रही है। आज हम उत्तराखंड हिमालय के दूरस्थ गांव चोपड़ा के ऐसे नौजवान से भेंट कराते हैं जिन्होंने गांधी के आंदोलन की एक कड़ी को अपने आंदोलन का सशक्त माध्यम बनाया है। वह है पत्र, पत्रों द्वारा अपनी बात को मनवाना। मिलते हैं सोबत राणा से, जानते हैं उनसे आजकल के हाल। जो बेसिक शिक्षा वो अपने गांव में ही संपन्न हुई है और उसके बाद 6 से 8 तक मैं जूनियर स्कूल गढ़खाटल में अध्ययन किया है और तत्पश्चात मैं इंटर कॉलेज धारी कलोगी में मैंने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई संपन्न। सोबत पढ़ाई के दौरान से ही सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गया था। गांव का कोई भी सामूहिक कार्य हो और इस किशोर की वहां उपस्थिति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। सोबत के परिवार वालों का रुझान था कि सोबत भविष्य में सरकारी सेवा में जाए। अपने गांव के नज़दीक स्कूल राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज धारी कलोगी से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात सोबत ने ठान ली कि वह तो सिर्फ और सिर्फ सड़क पर जाकर देश की सेवा करेगा। गया भर्ती के लिए आया था, देहरादून आया था और देहरादून आया था तो मैं भर्ती में बाहर हो गया क्योंकि हाइट मेरी कम थी। हाइट कम थी तो दुख हुआ, मैं अपने घर चला गया। घर गया तो तत्पश्चात मैंने सोचा कि पढ़ाई करके क्या करूँ जब मैं देश की सेवा नहीं कर सकता हूँ और मैं फौज में नहीं जा सकता हूँ, तो करना क्या पढ़ाई करके। उसके बाद मैं अपना मसूरी आ गया नौकरी करने के लिए। वहाँ पर मैं 500 रुपये में नौकरी कर ली, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करा दी और शादी करने के बाद जो मैंने 4-5 साल अपने पापा जी के साथ घर में काम किया, खेतों में काम किया, आलू बीन मटर की फसल, जो हमारी धान की फसल उसको मैंने अपने पापा के साथ मदद की। उसके बाद मैंने सोचा लोगों के राशन कार्ड बनाना, जैसे कि लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, छोटे छोटे काम होते गाँव में, वो उतना ही कर सकता था उस टाइम में। सोबत ने दृढ़ संकल्प लिया कि उनके ग्रामीण क्षेत्र विकास से बहुत ही पिछड़ रहे हैं, इसलिए वह अब सरहद पर नहीं बल्कि सरहद के अंदर ही लोगों की सेवा में काम करेगा। वह अपने क्षेत्र में भ्रमण करने लगा। कई ऐसे स्कूल मिले जहां उन्होंने अपने हैसियत के अनुसार थालियां वितरित की। वह बताते हैं कि इन स्कूलों में अधिकांश बच्चे मध्यान्तर भोजन के दौरान थाली के बिना दिखाई दिए। इस तरह सोबत का सफर समाज सेवा में आगे बढ़ता गया। सोबत कहा मानता, उनके सामने पहली समस्या उनके गांव कसलाना और चोपड़ा की थी। कसलाना चोपड़ा मोटर मार्ग 2017 में बनकर तैयार हो गया, पर इस मोटर मार्ग बनने के कारण ग्रामीण किसानों का प्रतिकार और क्षतिपूर्ति आदि मुआवजा लाल फीताशाही के कारण दब चुका था। सोबत ने उठाई कलम और लिख डाला जिलाधिकारी से लेकर सरकार के मुखिया तक को। कुछ समय जरूर लगा, मगर जो लोग मुआवजा आदि से वंचित हो गए थे उनका मुआवजा भुगतान हो गया। अब सोबत की ना तो कलम रुक रही है और ना ही कदम, लगातार क्षेत्र की सेवा में अपने को खपा रहे हैं। क्षेत्र कसलाना की, हमारी कसलाना न्यूमी चोपड़ा की जो रोडें कटी थी, उस रोड में जो है हमारे गांव के काश्तकारों की कम से कम लगभग 90-100 काश्तकारों के जो है खेत रोड काटने के कारण जो है बंजर हो गए थे, ढलान में हो गए थे। जिलाधिकारी को मैंने पत्र दिया था, उन्होंने मुझे जवाब दिया उसमें कि कार्रवाई होगी। उसके बाद उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। फिर मैंने अधिशासी अभियंता को लिखा, उसके बाद मैंने जिलाधिकारी को फिर दोबारा पत्र लिखा। 14-4 महीने धरना प्रदर्शन के लिए भी मैंने पत्र दिया कि मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। गांव का मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा, पूरे ग्रामीण वासियों का, जो उन्होंने कहा जो भी जहां पर भी अगर हमारी आवश्यकता पड़ती तो हम आएंगे। 90 से 100 लोगों को मैंने उनका जो हकीकत का मुआवजा था उनको दिलाने का काम किया। अच्छा, ये सोबत है जो गांव स्तर पर छोटी छोटी समस्याओं को उजागर कर रहा है, कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर तो कभी अस्पतालों के चक्कर। इन सभी को मूर्त रूप देने के लिए सोबत पत्र अवश्य लिखता है। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसे सोबत ने पत्र नहीं लिखा होगा। वो अपने क्षेत्र की समस्या को हमेशा कलमबद्ध करता है और भेज देता है संबंधित विभाग को। कार्रवाई न हुई तो लगातार पैरवी करता है। उनके क्षेत्र में 30 ऐसे गरीब परिवार थे जो APL कार्ड धारक थे।
सोबत ने इन परिवारों की पैरवी की तो उन्हें उनके अधिकार मिल गए। अब इन परिवारों के पास बीपीएल का कार्ड है। ऐसे ही सोबत ने अपने गांव क्षेत्र से वंचित विधवा और वृद्धा पेंशन की पैरवी की तो 35 लोगों को इस पेंशन का लाभ मिल गया। राणा का यह पत्र आंदोलन जारी है, कहता है कि जब तक सांस रहेगी वह अपने क्षेत्र की जनता के विकास के प्रति समर्पित रहेगा। जी हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि सोबत राणा सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने का बखूबी काम कर रहा है। देखिए, मैं पहले तो मैं पढ़ाई में विलियम था, अपना 12वीं तक पढ़ाई करे तो आया था, तो मैं भर्ती में बाहर हो गया क्योंकि हाइट मेरी कम थी। हाइट कम थी तो दुख हुआ कि हम क्या करूँ, मैं देश की सेवा नहीं कर सकता हूँ, फौज में नहीं जा सकता हूँ, तो करना क्या पड़ेगा। उसके बाद मैं अपना मसूरी आ गया नौकरी करने के लिए। वहाँ पर मैं 500 रुपये में नौकरी करता था। गाँव में मैंने शादी कर ली, मेरे माँ बाबू ने मेरी शादी करा दी, मेरे पापा जी के साथ घर में काम किया, खेतों में काम किया, आलू बीन मटर की फसल, जो हमारी धान की फसल है उसको मैंने अपने पापा के साथ मदद की। गांव में मैं अपना छोटा छोटा काम करा करता था, जैसे लोगों की समाज सेवा करता था, लोगों के राशन कार्ड बनाना, जैसे कि लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, छोटे छोटे काम होते गाँव में, उतना ही कर सकता था। उसका ना कि हमारे किसानी हमें चोपड़ा की जो रोड़ें कटी थी उस रोड में जो है हमारे गांव के काश्तकारों की कम से कम लगभग 90-100 काश्तकारों के जो है खेत रोड काटने के कारण जो है बंजर हो गए थे, दबान में हो गए थे। क्या बोलते हैं, मतलब सरकार नौकरी तो बिल्कुल मोह भंग हो गया। हाँ, जब मैं फौज में जाना चाह रहा था तो मेरा नौकरी करने का बिल्कुल ही मन नहीं था। सरकार ये ऐसा जब मैं फौज की नौकरी नहीं कर सकता हूँ, देश की सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे अदर नौकरी, सरकारी नौकरी कोई करनी ही नहीं थी, या पुलिस की नौकरी हो या फौज की नौकरी हो, इन दो में से मेरा जो अपना रीजन और नौकरियों में ही ऑब्जेक्शन था कि और जो नौकरी वाले होते हैं, चाहे किसी भी विभाग वाला होता है कर्मचारी, वो जनहित में काम नहीं करता है। वो क्या करता है, अगर हम उसको अगर कुछ घूस देंगे तो तभी काम करता है। निस्वार्थ भाव से जो दिल से अगर सेवा करी जाती है वो फौज की नौकरी में होता है और पुलिस की नौकरी में होता है। अगर मेरी हाइट कम थी, अच्छा, कम हाइट होने के कारण मैं फौज में नहीं जा पाया। अच्छा, मैं हर बार अपना इंच टाइप लगाया करता था कि मैं लंबाई मेरी कम फौज के बराबर, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। सबसे पहला मेरा जो विजन रहेगा, अपने बच्चे को मैं सबसे पहले फौज में निकालने का काम करूंगा। इस टाइम इतना पता नहीं था कि कितनी लंबाई कितनी, मैं वैसे कह रहा हूँ, वो तो प्यार करते थे तुमसे बहुत। हाँ, बहुत प्यार करते थे, इसलिए लंबाई को आड़े नहीं आई। नहीं, वो भी चाहते थे कि आप सेवा करें, देश सेवा। उन्होंने बाद में ही मेरे को कहा, अच्छा, वो क्या करते हैं, उसका क्या नाम है, उसका जंप मारो की। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप कहीं पेड़ में लटको, जैसे गांव में हम बाज काटने जाते थे तो कहते थे कि पेड़ में लटका करो, लंबाई हमारे आगे सड़क जा रहे थे ना, कहते थे कि वहाँ रास्ते में एक जगह भूत है इसलिए सड़क आगे कटेगी नहीं। हाँ, ये भी ऐसा भी था एक विजन। देखिए, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है हमने, हमारे पूर्वज भी बताते थे कि जब वो गढ़ अम्बेडकर की रोड, अच्छा, वो खुशिया से शुरू होती है गढ़ तक, अच्छा, वहाँ पे जो सौंदर्य धंधार बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ऐसी प्रकृति की ऐसी कुछ देन थी, वहाँ पे पानी भी निकलता है, अच्छा, बड़ा अच्छा सुंदर पानी निकलता, बड़ा ठंडा पानी निकलता है, अच्छा, लेकिन पीने के लिए लोग डरते हैं, वहाँ पे जाते हैं जबरदस्ती, पानी में इतना स्वाद है कि लोग जान जोखिम में डालकर जो है वहाँ पे पानी पीने जाते हैं। और वहाँ पे क्या था जो आप पूछ रहे हैं, मेरे से वहाँ भूत था, हकीकत में कुछ ना कुछ वहाँ पे देव शक्ति थी, भूत नहीं बोलेंगे हम उसको, कुछ देव शक्ति बोलेंगे। पूरा आप जो काम कर रहे हैं समाज सेवा का, आपके क्या प्लान है अगले 5 साल तक, आप क्या करेंगे? देखिए, अगले 5 साल का जो मेरा अपना व्यक्तिगत विजन, देखो हमारा काम है समाज सेवा करना, प्रयास हम करेंगे, कोशिश हम करेंगे, बाकी काम शासन स्तर पर होता है और काम जो है नेता लोग करते हैं, मुख्यमंत्री जी हो गए, हमारे प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए, जिला पंचायत हो गए, विधायक जी हो गए, इन लोगों का काम है ये करना दरअसल में। पर फिर भी जो मेरा व्यक्तिगत के विजन, मैं मेरा जीवन और मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। मेरा धर्म ही नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान